राहुल गांधी को ऐसा बोलना पनौती हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहाँ तक सही है? तो प्रधानमंत्री जो मर्जी बोल दें, प्रधानमंत्री बोले मूर्खों का सरदार, पर हमने बोला और ये तीखी मिर्ची लग गई। अरुण मौलिक ने बोला ये तीखी मिर्ची लग गई। मैं बहुत तीखा हूँ उस मामले में। तीखी मिर्ची बोलोगे, तीखे जवाब दोगे तो तीखा जवाब दूंगा मैं। बोलेंगे मूर्खों का सरदार। प्रधानमंत्री को शोभा देता कि जो मर्जी बोले। देश के प्रधानमंत्रियों को सभ्यता होनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरह की भाषा का मत करिए इस्तेमाल। वो गोदी मीडिया पूछो भाई उनसे। जब लोगों ने कहा मूर्खों के सरदार तो बड़े इनके मुंह खुल गए, ताले खुल गए। जब पनौती का बंद हो गए, तालों की चाबी बंद हो गई गोदी मीडिया की। ये तो देश को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल देश को डिस्ट्रॉय निस्नाबूत कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया देश को 10 साल में। ये शब्दों का इस्तेमाल मत करें महिलाओं के ऊपर। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, महिलाएं अत्याचार सह रही हैं मणिपुर में, वो नहीं बोलते। ये ढूंढने से इनको नहीं मिलेगी एक सीट। अभी पांचों राज्य में चुनाव है, साफ है, सुफड़ा साफ है पांचों राज्यों में। देश के लोग गरीब हो गए, प्रधानमंत्री अमीर हो गए। देश के लोग गरीब हो गए, प्रधानमंत्री अमीर हो गए। क्यों अच्छा लगा? गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं, खुद अमीर हो रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहे हैं। ये अच्छा काम है कि 10 साल से पनौती महाराज विराज थे, इसलिए देश पनौती में रहा। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। जिस तरीके से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बाद जो इंडिया हार गई है, उसके बाद जो एक शब्द ट्रेंड कर रहा है वो है पनौती। और पनौती जिसको कहा जा रहा है वो और किसी को नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है। यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हैं, पोस्टर पे लिखा हुआ है बताओ पनौती कौन। और हमारे साथ इसी का जवाब देने के लिए मौजूद है अरुण मलिक जी। क्या कहेंगे सर, बताओ पनौती कौन? आज पूरा देश जान चुका है, 140 करोड़ लोग जान चुके हैं पनौती कौन है, तली पार कौन है। 140 करोड़ जानते हैं कौन है पनौती? 10 साल से पूरा देश जानता है। मैं क्यों बोलूं, पूरा देश जान गया, पूरे देश को पता पनौती कौन है, सबको पता है, सारे 140 करोड़ लोगों को पता लग गया है। वो गोदी मीडिया पूछो भाई उनसे, उनका जो TRP था डाउन हो गया। जब लोगों ने कहा मूर्खों के सरदार तो बड़े इनके मुंह खुल गए, ताले खुल गए, जब पनौती का मुंह बंद हो गए, तालों की चाबी बंद हो गई गोदी मीडिया की। तो आज पूरा देश जानता है पनौती। तो ये बदला लिया जा रहा है क्या? जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं, वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री को पनौती बोल रहे हैं। कौन है ये प्रधानमंत्री बोलने वाले उनको? हैंडसम, स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट राहुल गांधी जी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। और उनकी पढ़ाई और इनकी पढ़ाई में जमीन आसमान का अंतर है। राहुल जी की पढ़ाई का और उनकी पढ़ाई का जमीन आसमान। पढ़ाई इतनी अच्छी है तभी तो प्रधानमंत्री हैं। तभी आज तक किसी ने देखा नहीं, ना चाय बेचते ना पिलाते ना बनाते, किसी ने नहीं देखा। तो प्रधानमंत्री बन के चाय बेचेंगे वो अब? नहीं, पहले कहाँ देखा किसी ने, मैं पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो राहुल जी है, इनके परिवार देखिए, पीछे परिवार, राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी, लेट श्री राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ये देश बनाया इन्होंने। ये तो देश को डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल देश को डिस्ट्रॉय निस्नाबूत कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया देश को 10 साल में। तो जो ये शब्द का जिन्होंने ये पोस्टर भी लगाया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बढ़िया। बताओ पनौती कौन, ये तो पूरा देश जान गया, पूरा देश जान गया। लेकिन जनता बोल रही है पनौती कौन, उसके बाद राहुल गांधी को ऐसा बोलना पनौती हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहाँ तक सही है? तो प्रधानमंत्री जो मर्जी बोल दें, प्रधानमंत्री बोले मूर्खों का सरदार, पर हमने बोला और ये तीखी मिर्ची लग गई। अरुण मौलिक ने बोला ये तीखी मिर्ची लग गई। मैं बहुत तीखा हूँ उस मामले में। तीखी मिर्ची बोलोगे, तीखे जवाब दोगे तो तीखा जवाब दूंगा मैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री को मिर्ची दिखाएंगे आप? वो जो मर्जी बोले, हैंडसम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट को बोलेंगे मूर्खों का सरदार है बोलेंगे? ये जिसके परिवार ने पूरी आज़ादी देश के लिए किया, देश के लिए काम किया, उसको आप ऐसे बोलेंगे? प्रधानमंत्री को शोभा देता कि जो मर्जी बोले। देश के प्रधानमंत्रियों को सभ्यता होनी चाहिए। तो राहुल गांधी को शोभा देता है, पनौती बोल रहे हैं, जेब कतरा बोल रहे हैं, जेब कतरा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री को बोलिए आपको शोभा देता है। राहुल जी को ले आते हैं आप बोलिए प्रधानमंत्री की जाके, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इस तरह की भाषा का मत करिए इस्तेमाल। क्यों करते हैं आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? कहा है आपने, हिम्मत है मत कि नोटिस से डरते हो नोटिस है? अरे राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि माफी मांगे, जो ऐसे पनौती बोला जा रहा है। माफी मांगने वाले तो ये लोग हैं, देखा ना, वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, भगत सिंह ने फांसी चूमी थी, उन्होंने माफी मांगी, भगत सिंह ने फांसी चूमी। ये लोग हैं, अंग्रेजों के गुलाम थे ये लोग, ये माफी वीर लोग हैं। अरे हम तो शहीद होने वाले लोग हैं, शहीद, शहीद होने वाले लोग हैं हम लोग, शहीद।
देश के लिए, देश के लोगों के लिए। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लाठी भी खा सकते हैं, गोली भी खा सकते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सीने पे गोली खाई थी, और सीने पे गोली खा के बोला था हे राम। सीने पे गोली खा के महात्मा गांधी जी ने बोला था हे राम। इनकी तरह नहीं, ये शब्दों का इस्तेमाल मत करें महिलाओं के ऊपर। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हैं, महिलाएं अत्याचार सह रही हैं मणिपुर में, वो नहीं बोलते। जंतर मंतर पे पहलवानों पे अत्याचार हुआ, लेडी जो सोना लेके आई, वो इनको नज़र नहीं आता, इनकी अपनी भाषा पे नज़र नहीं आता। मैंने कहा तो तीखी मिर्ची लगेगी लगेगी। मोदी जी दिल में बसते हैं जनता के, कोई किसी के दिल में हार मेरे दिल में तो राहुल गांधी है, दिल में राहुल गांधी है, कांग्रेस मेरे दिल में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे दिल में है, जनता के दिल में तो मोदी जी है ना। नहीं, जनता ने ये कह दिया ना पनौती पनौती, ये जनता ने कहा ना, कहा ना जनता ने, जनता के दिल में जा रहे हैं। 24 अभी पांचों राज्यों में चुनाव है, साफ है, सूफड़ा साफ है पांचों राज्यों में। 3 दिसंबर को पता चलेगा किसका सूफड़ा साफ होने वाला है। पूरा सूफड़ा बीजेपी का साफ है पांचों राज्यों में। ये ढूंढने से इनको नहीं मिलेगी एक सीट। जो कह रहा है 51,000 रुपये ले लो, बूथ पे वोट डालो, इलेक्शन कमीशन को नोटिस मिलने की हकीकत नहीं है। जो कह रहा है 15 लाख ले लो, उनको नोटिस मिलने की हकीकत नहीं है। हैं, भेजा उनको नोटिस 15 लाख वालों को भेजा। मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया पैसा? वो राम मंदिर का काला धन कहाँ है बताइए, कहाँ चला गया वो काला धन, किधर है? राम मंदिर बनाने में लगा दिया ना, राम मंदिर बनाया है उन्होंने, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं देश के लिए हमारे। प्रधानमंत्री 800 करोड़ के प्लेन में जाना, 8,000 करोड़ के प्लेन में, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख का बूट, 1.5 लाख का पेन है, खराब कपड़े पहन के घूमेंगे क्या वो? देश के लोगों को खराब कर दिया, देश के लोगों को गरीब कर दिया, देश के लोग गरीब हो गए प्रधानमंत्री अमीर हो गए, देश के लोग गरीब हो गए प्रधानमंत्री अमीर हो गए, क्यों अच्छा लगा? गरीबों के लिए ही काम कर रहे हैं, खुद अमीर हो रहे हैं, गरीब को गरीब कर रहे हैं, ये अच्छा काम है? गरीब को गरीब कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, महंगाई मैन है कितने, महंगाई में जो प्याज मिल रही है 80 रुपए किलो, वो बेच रहे हैं 25 रुपए किलो, दे रहे हैं वो जनता को। कौन दे रहा है? आपने लिया? सब ले रहे हैं 25 रुपए। आपने 25 रुपए लिया? मुझे बताओ आप, 25 रुपए आपने प्याज लिया? सच बताओ, कैमरे के सामने हो आप? हाँ लिया है, लिया है। कहाँ से लिया है? यहीं पे मिल रहा है, सामने सामने पनौती की। कौन सा सड़ा हुआ प्याज? 100 रुपए आम मिल रहा है, 400 रुपए किलो टमाटर मिला वो आपको याद नहीं है, 400 रुपए किलो अदरक मिला वो याद नहीं है। अभी प्याज की बात कीजिए ना, प्याज तो दे रहे हैं ना 25 रुपए किलो। एक आम आदमी क्या लेगा? टमाटर और प्याज की चटनी तो खाएगा रोटी पे रख के? आम आदमी ही करेगा ना। लिया ना लोगों ने 400 रुपए किलो टमाटर। सिलेंडर आपने कितने का लिया? 1200 के लिया, कितने का लिया? कांग्रेस कम कर दिया है ना। कांग्रेस के राज में कितने का लिया है? 410 का लिया है। अभी सारे राज्यों में 400 का मिल रहा है सिलेंडर, मिल रहा है ना 500 का, सभी स्टेटों में जो कांग्रेस जीती है। तो अभी पांचों राज्यों में मिलेगा, लोग होंगे, लोग खुश हो रहे हैं, 24 इंतजार कर रहे हैं राहुल जी जल्दी आए, हमारे दुख दर्द दूर हों, क्योंकि इन्होंने 10 साल में लोगों को दुख दिए, अत्याचार, कानून व्यवस्था खराब, बेरोजगार कर दिया लोगों को, कोई रोजगार नहीं, व्यापारी वो परेशान है, हर आदमी परेशान है इनसे, हर आदमी परेशान है, कोई खुश नहीं। जो मुस्कुराहट थी ना लोगों, क्या उदासपन आ गया, उदासपन आ गया, उदासपन है। लेकिन लोगों को अब यकीन हो गया कि 10 साल से पनौती महाराज विराज थे, इसलिए देश पनौती में रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनसे बातचीत करी, इनका कहना है जो 10 साल से लोग परेशान थे वो पनौती की वजह से ही परेशान थे, पनौती जो प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, अब ये कहाँ तक कहना सही है? राहुल गांधी भी कह रहे हैं पनौती है, फिर अब कह रहे हैं जेब कतरा है, बाकी आप ही बताइएगा क्या कहाँ तक कहना ये सही है? और 3 दिसंबर को तो जनता का फैसला आ ही जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। साफ पांचों राज्य में साफ है, सूफड़ा साफ है, ये कह रहे हैं पांचों राज्यों में कांग्रेस ही आएगी और जो भाजपा है उसका सूफड़ा साफ हो जाएगा, बाकी फैसला जनता के हाथ में, आप हमें जरूर बताइएगा। कैमरामैन आशीष के साथ नूरजहां, जनता आवाज।